टीवी, सच साहस सरोकार। जशपुर दौरे पे आरएसएस प्रमुख भागवत कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दिखी अव्यवस्था, मीडिया कर्मियों को रखा गया कार्यक्रम से दूर। कॉल माफियाओं की दिखी दबंगई, सुरक्षा कर्मियों पर किया जानलेवा हमला। स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, निःशुल्क इलाज कराने की मिलेगी सुविधा। अराजकता का बना माहौल, ब्राह्मण समाज को लेकर की गई गलत टिप्पणी। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। डोंगरा गांव में मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दिव्यांगों को नहीं जाने दिया गया, साथ ही मीडिया कर्मियों को भी सामाजिक कार्यक्रम से दूर रखा गया। तो वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदों को स्वागत ही नहीं करने दिया गया। ओला है, बैटरी गाड़ी मिलना चाहिए और एक बहुत कागजात एक बने नहीं है। अच्छा, ये बता कतका देर क्या हस्ते यहाँ? मैं है वहाँ 3 बजे का हूँ। तो अभी जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई नहीं हो है? कहाँ बोल रहे हो? मान साहब मान कोई निंगने नहीं दे थे मल अंदर में, निंगन नहीं दे थे मल, ओकरे से साहब आगे सब वो आगे है। कौन घुसा नहीं देता मल? अरे पुलिस मान एक सब हावे थे मन, अभिन घुसा था तब घुसा नहीं दे थे। नहीं अलाउड नहीं है कथे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जसपुर दौरे पर हैं, तो वहीं मोहन भागवत रांची से जसपुर पहुंचकर कल्याण आश्रम के विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही बिरसा मुंडा प्रतिमा पर माल्यार्पण और रैली के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो वहीं आरएसएस प्रमुख के आगमन को लेकर पूरा शहर भगवामय हो गया है। भैया थान के ग्राम पंचायत पाल दलोनी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने किया। बता दें कि ग्राम पंचायत पाल दलोनी में लगभग 48 करोड़ रुपए लागत से विद्यालय बनाया गया है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और सांसदीय सचिव भी उपस्थित रहे। जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण बच्चों को अच्छी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया है। 740 स्कूल बनाने की स्वीकृति है, जिसमें 378 स्कूल हमारे संचालित हुए हैं। वो 378 में से एक स्कूल हमारा ये ओड़गी का पान दनौली भी है। स्कूल सरगुजा में पुलिस को साइबर क्लीन अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि साइबर क्लीन के तहत प्रार्थी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम और बैंक से संबंधित जानकारी लेने के नाम पर उससे 1,80,000 की ऑनलाइन ठगी कर ली है। सम्माननीय पुलिस अधीक्षिका महोदय के द्वारा लगातार सरगुजा पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, साइबर क्लीन, जो साइबर अपराध में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार एक मुहिम सभी थानों के द्वारा चलाई जा रही है। इसी तारतम्य में साइबर सेल बीगापुर और थाना गांधीनगर की एक विशेष टीम जो है वो देवघर जामताड़ा गई हुई थी, जहाँ पे अलग अलग सरगुजा जिले के विभिन्न थानों में पंजीकृत अपराध में आरोपी की पदासाजी उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम ने दबिश दी थी। उसी उसमें थाना गांधीनगर में प्रार्थी मंगलू कुजूर, जिनसे एटीएम कार्ड एवं उनके बैंक से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी, उसी अपराध में हमने एक आरोपी सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार किया है, जो मुल्ता देवघर के रहने वाले हैं, जिसे गिरफ्तार कर हमने माननीय न्यायालय में पेश किया है।
सरगुजा की सीतापुर में अराजकता का माहौल बना हुआ है। बता दें कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता की ओर से यहां कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसमें उनकी ओर से ब्राह्मण समाज को लेकर के गलत की गई थी, जिसकी आपत्ति हिंदू वर्ग ने की थी, लेकिन बिना अनुमति के बाद भी उन्होंने यहां कार्यक्रम जारी रखा, जिसको लेकर के हिंदू वर्ग के लोग सड़क पर उतर आए हैं। सरगुजा के सीतापुर में विशाल आदिवासी मूल निवासी महासम्मेलन के कार्यक्रम को लेकर भारी तनाव की स्थिति देखने को मिली। दरअसल सरगुजा के सीतापुर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी थी, तो वही ब्राह्मण समाज और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोगों ने आदिवासियों के कार्यक्रम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। आदिवासी एकता परिषद के द्वारा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसका ब्राह्मण समाज के द्वारा जो इनके मुखिया है उसका विरोध किया जा रहा था, इसलिए स्थिति निर्मित हुई थी। लेकिन अब जो है मंच खाली करवा दिया गया है, रोड भी खाली करवा दिया गया है और लोगों का आवागमन जो है अब जारी कर दिया गया है। प्रशासन की बदौलत ही जो है यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा था वो रुकवाया गया है और यहाँ जो जो दूसरा पक्ष जो विरोध कर रहा था उसको भी रोड से खाली करवाया गया है और अब स्थिति अब हटा दिया गया, रोड खाली करवा दिया गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आवागाही लोगों का जारी हो गया। सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार सरगुजा पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है साइबर क्लीन, जो साइबर अपराध में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार एक मुहिम सभी थानों के द्वारा चलाई जा रही है। इसी तारतम्य में साइबर सेल बीगापुर और थाना गांधीनगर की एक विशेष टीम जो है वो देवघर जामतड़ा गई हुई थी, जहाँ पे अलग अलग सरगुजा जिले के विभिन्न थानों में पंजीकृत अपराध में आरोपी की पदासाजी उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम ने दबिश दी थी। उसी उसमें थाना गांधीनगर में प्रार्थी मंगलू कुजूर, जिनसे एटीएम कार्ड एवं उनके बैंक से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी, उसी अपराध में हमने एक आरोपी सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार किया है, जो मुल्ता देवघर के रहने वाले हैं, जिसे गिरफ्तार कर हमने माननीय न्यायालय में पेश किया है। सरगुजा के रिकॉर्ड मुकदमे निस्तारित करने के लिए जिला सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सत्र न्यायालय बैकुंठपुर, सत्र न्यायालय महेंद्रगढ़ और सत्र न्यायालय जनकपुर के सभी अलग अलग न्यायाधीशों के पास से 12,375 केस आए, तो वहीं 8,882 मामले डिस्पोजल किए गए। पूर्व एक महीने पहले ही इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में और चौक चौराहों में बैनर लगाया जाता है, ताकि आम जनता को अधिक अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी हो सके। और इसके अतिरिक्त हमारे न्यायाधीशगण गांव में जा जाकर विधिक साक्षरता शिविर लगाते हैं, उस साक्षरता शिविर में भी उनको अवगत कराया जाता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जा रहा है। इसमें अपने छोटे छोटे मामले हैं उन्हें आपसी राजीनामा से निपटा कर समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए सम्मंस के माध्यम से उन्हें सूचित किया जाता है और बीच बीच में उनसे सुलह कराने के लिए भी उन्हें समन्स भेजकर आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक धर्मलाल कौशिक धरने पर बैठे हैं। बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं के साथ सरगांव नगर पंचायत कार्यालय के सामने किया जा रहा है, तो वहीं सरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए पीठासीन अधिकारी को सम्मिलित होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी का स्वास्थ्य खराब होने के चलते सम्मेलन स्थगित किए जाने से मामला गर्मा गया है। ये सरासर लोकतंत्र के अवहेलना है, लोकतंत्र के मैं कहूँ कि माखौल उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र के मजाक उड़ाए हैं, इसलिए उस अधिकारी के खिलाफ में उसको सस्पेंड करना चाहिए और तत्काल उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड करने के बाद में 2 दिन छुट्टी है, सोमवार के लिए एडीएम ने कहा है कि हम तारीख उसमें तय करेंगे और तय करके उसकी नई तिथि घोषित होगी। महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक में घर घर तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया।
निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन ने आयोजित किए जा रहे पंचायत स्तरीय स्वास्थ्य शिविर के को एक सराहनीय पहल बताया है, जिसके माध्यम से गांव के अंतिम छोर के लोगों को निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा मिल रही है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष सहित कांग्रेस नेता और सभी समाज प्रमुखों के साथ शहर में यात्रा निकाली गई। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने मीडिया को प्रेस वार्ता कर बताया कि केंद्र सरकार देश का माहौल बिगाड़ रही है। देश में कमर तोड़ महंगाई से आम जनजीवन त्रासदी की दौर में गुजर रहा है। इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो अभियान के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा निकाली गई, जिसे बड़ी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है। जा रहे हैं हाई स्कूल मैदान से 10 बजे यात्रा निकालेंगे। हमारी ये सोच है, हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी के तर्ज पर जो यात्रा वो निकाले हैं, उनके तर्ज पे हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, सद्भावना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो हमारा है भारत को बचाने के लिए, जो धर्मों में आज हमारा देश बढ़ रहा है, जो धर्म को लेकर के जो राजनीति हो रही है, भाई भाई को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, आज दिवाली नहीं लगती है, ईद नहीं लगता है, इस तर्ज पे हम आज यात्रा निकालने जा रहे हैं। कोरिया के बेकंठपुर मुख्यालय से लगे हुए कोल इंडिया के खदानों से आए दिन कोल माफिया कोयला चोरी करते रहते हैं, फिर भी SCL प्रबंधन ने अब तक कोई बड़ी पहल इन कोयला चोरों और कोल माफियाओं पर नहीं की है। कोयला चोरों ने एक बार फिर SCL सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला किया है, जिसमें सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अभी इलाज चल रहा है। आए दिनों होने वाले इन हमलों को लेकर बैकुंठपुर विधायक ने पुलिस थाने जाकर घटना के विरुद्ध पुलिस के कार्रवाई का जायजा लिया। कोयला चोरों द्वारा आज शाम को लगभग 4 बजे SCL के सुरक्षा गार्डों के ऊपर प्रताड़ना किया करने का शिकायत मिला है, और इस शिकायत पर तत्काल हम जिनके ऊपर पथराव किया गया है उनके तरफ से शिकायत लेके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो भी बनता है उसको करेंगे। और अभी तो फिलहाल जिनको चोट लगा है उसको डॉक्टरी मुलाजा करा रहे हैं। चर्चा था ना, हम लोग आए हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे, वहाँ से हम लोग सब उस कार्यक्रम को छोड़ के यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर SCL के एक गार्ड पर और चर्चा के सब एरिया मैनेजर पर पथराव हुआ है, गार्ड को काफ़ी चोट आई है। कोरबा में पिकनिक मनाने के दौरान रानी झरना पहाड़ के ऊपर फंसे 3 युवकों को अविनाश यादव और उसकी टीम ने सफल रेस्क्यू किया है। बता दें कि तीनों शहर के करीब 35 किलोमीटर दूर रानी झरना पहुंचे थे, वहां युवकों ने पिकनिक मनाया, जिसके बाद तीनों पहाड़ के ऊपर चले गए और रात हो जाने के चलते वापस लौट कर नहीं आए। किसी तरह तीनों ने डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद अविनाश यादव और उनकी टीम ने तीनों युवकों का सफल रेस्क्यू किया है। बिलासपुर के विलासागुड़ी में एक दिवसीय थर्ड जेंडरों को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए जागरूकता और संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो वही कार्यशाला का आयोजन ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हुआ। इसमें ट्रांसजेंडर विशेषज्ञ और प्रशिक्षु IPS अफसरों के अलावा एक्टर और थर्ड जेंडर का समूह भी उपस्थित हुआ। एडिशनल SP ने बताया कि हाल ही में ट्रांसजेंडर एक्ट अधिनियम लागू हुआ है, भविष्य में जब भी IPC धाराओं का उपयोग किया जाएगा उसके लिए NGO और DG वर्ग के साथ विकास उत्थान के लिए थर्ड जेंडरों के हित में कार्य किया जाएगा। जी देखिए, ट्रांसजेंडर को लेकर ये बैठक की गई है और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें बताई गई हैं। ट्रांसजेंडर जो कि समाज से कटे हुए हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और जो कानून नए कानून बनाए गए हैं पुलिस को उसके बारे में वर्कशॉप किया गया है, पुलिस का वर्कशॉप किया गया है, और उसमें NGOs को और बाकी लोगों को, आम लोगों को कनेक्ट करने के लिए वर्कशॉप किया गया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है कि कैसे हम ट्रांसजेंडर को अपने समाज से जोड़ सकते हैं।
अभी जो हाल में ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 आया है वो लागू हुआ है, उसके संदर्भ में पुलिस विभाग एवं एनजीओ को सेंसिटाइज करने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें समाज कल्याण विभाग से रिसोर्स पर्सन के रूप में ट्रांसजेंडर समुदाय से एक्सपर्ट आए हुए थे। उन्होंने इस एक्ट के बारे में समस्त जिले के पुलिस स्टाफ को सेंसिटाइज किया है। इसके अलावा एनजीओ से भी चर्चा की गई है और भविष्य में जब भी आईपी मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की मेंबर हूं और आज जो है वो जिला स्तरीय जागरूकता और संवेदीकरण कार्यशाला थी। ट्रांसजेंडर कानून आया है 2019 में और उसके नियम बने हैं 2020 में। इस चीज़ को लेके हर ज़िले पे पुलिस के साथ में सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हो रहा है, अवेयरनेस वर्कशॉप हो रहा है, ताकि ट्रांसजेंडरों के साथ जो भी हिंसा हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या कोई बाहर से भी उनको पीड़ित करे या शोषित करे, तो उसके लिए एक तरह से उसको जस्टिस मिले। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।